कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन टाइम, आप इस समय को घर पे या जहां भी आप हो वहीं बैठ के एक अच्छी सोच के साथ सही नज़रिए से इसी टाइम को भी अपने लिए बेस्ट टाइम बना सकते हो। ये समय बहुत ही अच्छा समय है अपने आप को जानने का, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने का और ख़ुद को तैयार करने का आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मतलब कि इस टाइम को यूज़ करें एक नई और सही हैबिट बनाने के लिए। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ ऐसे काम जो कि आप कर सकते हो घर बैठे बैठे। शुरुआत करते हैं सबसे मेन स्टेप से, हेल्थ। जितनी भी रिपोर्ट्स और न्यूज़ हैं सबका पॉइंट सिर्फ एक बात पे है, इम्यून सिस्टम। लोगों ने पैसा तो बहुत कमा लिया बट अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दुनिया के ज़्यादातर डॉक्टर्स का कहना है जो भी फेटल केसेस हुए हैं अभी तक उनका मेन रीज़न बैड इम्यून सिस्टम है। सो इस टाइम को यूज़ करते हुए आप अपने लिए एक बेस्ट फूड चार्ट बना सकते हैं। इसमें उन सभी फूड को अपने डेली डाइट में ऐड कीजिए जो कि एक अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर इंटरनल बॉडी स्ट्रेंथ। डेली एक्सरसाइज करने की भी एक हैबिट बना सकते हैं आज से ही। नंबर दो है माइंड लेवल। माइंड के लेवल पे आप सेल्फ हेल्प बुक्स रीड कर सकते हो जो कि आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ बुक्स आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा। नंबर वन है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक पढ़ने के बाद आपके सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा और अगर आपने इस बुक में बताए गए सभी सिद्धांतों को समझ लिया तो आपके सारे रिलेशनशिप्स बेहतरीन हो जाएंगे। नंबर सेकंड है मैनेजिंग वन सेल्फ। थर्ड है हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग। एंड फोर्थ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो लाइफ में जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है तो आप थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी एंड द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन जरूर पढ़िए। ये बुक्स पढ़ने के बाद आपके सोचने और काम करने का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। अब बात करते हैं लिखने की। किसी को लिखने का शौक है तो वो ब्लॉगिंग शुरू कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। मेरी एक दोस्त है जो कि हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से है और उसका फूड नॉलेज बहुत ही अच्छा है और वो कुकिंग में भी बहुत बेस्ट है। उसने रिसेंटली अपने इसी शौक को और भी एक्सपैंड करने का सोचा और ब्लॉगिंग शुरू कर दी। आपके पास दिल में होना चाहिए फिर आप किसी भी हालात में अपने टाइम का सही यूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद उसके ब्लॉग्स पढ़े हैं, बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग्स लिखे हैं उसने। ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके ब्लॉग देख सकते हैं और कुछ आइडियाज़ अपने लिए भी ले सकते हैं खुद का फूड ब्लॉग शुरू करने के लिए। सो ब्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ब्लॉगिंग आप किसी भी टॉपिक पर कर सकते हो। नंबर थ्री है स्किल। आप इस समय को सही यूज़ करते हुए एक नई स्किल सीख सकते हो। जैसा कि सभी लोग जानते हैं इंडिया भी बहुत तेज़ी से डिजिटल होता जा रहा है। बहुत सारी सर्विसेज ओपन हो चुकी है लाइक पेटीएम, फ़ोनपे, ओयो, ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, रैपिडो। तो आप भी अपने काम को, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उसको डिजिटल वर्ल्ड में लेके आ सकते हो। मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। मुझे ड्राॅइंग का बहुत शौक है बचपन से ही। फिर मैंने पिछले ही साल डिजिटल आर्ट एंड एनिमेशन सीखने का फ़ैसला किया और आज जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो मैं वही डिजिटल आर्ट एंड एनिमेशन यूज़ कर रहा हूँ। और एक बात, मैंने सीखने से पहले ड्राइंग और एनिमेशन से जुड़ी सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, जैसे कि किस टाइप की आर्ट सीखनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर शुरू में सीखना चाहिए। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी काम शुरू करने से पहले। नंबर फोर है फैमिली। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपनी फैमिली को ही टाइम देना भूल गए हैं और ये एक बेस्ट टाइम है। अगर आप अभी अपनी फैमिली के साथ हो तो उनके साथ एक वैल्यूएबल टाइम बिताना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसमें आप कुकिंग एंजॉय कर सकते हो, अपनी मॉम या अपनी वाइफ को उनके वर्क में हेल्प कर सकते हो, कोई बेहतरीन डिश बनाना सीख सकते हो। इससे आप छोटी छोटी बातों में नखरे करना छोड़ दोगे और सामने वाले को अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे। कहा जाता है कि जब दूसरे को समझना हो तो पहले आप अपने आप को खुद उस सिचुएशन में रख के देखो। पुट योरसेल्फ इन अदर शूज मीन्स एम्पैथी। तो इस टाइम को बेस्ट वे में यूज कीजिए और खुद को आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी कीजिए। लास्ट में मैं आपको एक विचार पे गौर करने को जरूर कहूंगा जो कि मुझे सबसे बेस्ट और स्ट्रांग हैबिट लगती है और इस पे हम सबको वर्क करना चाहिए। जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं वो एक होना चाहिए। मुझे ये बात मेरे एक मेंटर मिस्टर पडवाल से सीखने को मिली। ये बात किसने कही है वो ज़रूरी नहीं है बट इस विचार में एक सच्चाई है जो हम सबको देखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और फिर करते तो बिल्कुल ही कुछ और है। फाइनली आपको अपना टाइम कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि एक्शंस आपको ही लेने हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बता सकते हैं कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में कौन सी स्किल्स सीखने वाले हैं या फिर कोई ऐसा काम जिससे कि आप इस पल को भी बेहतरीन बना दोगे अपने और अपनी फैमिली के लिए। हो सकता है आपका आइडिया किसी और को भी अच्छा लग जाए। वीडियो ओवर करने से पहले सिर्फ एक बात, फिलहाल आप जहाँ हो, रूम पे या घर पे,
वहीं रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए ताकि आपके साथ पूरा देश भी सेफ रहे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।